सो है तो आज हम लोग बताएंगे यामा MT09। तो फाइनली गाइस यामा ने 2024 यामा MT09 को लॉन्च कर दिया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो आज हम लोग बताएंगे जो 2024 यामा MT09 के अंदर क्या कुछ फीचर्स देख सकते हो, क्या टॉप स्पीड देखने को मिलेगा, सारे कुछ कवर करेंगे ये वीडियो के अंदर। सो गाइस अभी तक वीडियो के अंदर लाइक नहीं करो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएंगे 2024 यामा MT09 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स देख सकते हो बाकी सुपर बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कावासाकी Z900 एंड सुजुकी GSX-S8, बाकी जितना सारा 900 सीसी के अंदर बाइक है कोई भी बाइक के अंदर इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा नेकेड वर्जन के अंदर। सबसे पहले बताएंगे क्विक शिफ्टर, क्रूज कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, सारी कुछ यहाँ पे यामा ने अवेलेबल कर दिया। एंड साथ में ब्रेकिंग कंट्रोल को लेकर बताएंगे तो यहाँ पर रियर है निशिन का ब्रेकिंग कंट्रोल एंड सामने यहाँ पे ब्रेम्बो का ब्रेकिंग कंट्रोल कंपनी यूज किया। एंड जितना सारा सुपर बाइक होता है सारे सुपर बाइक सेम ही काम करता है। तो अभी हम लोग ब्रेकिंग कंट्रोल को लेके सामने पे डबल डिस्क का सेटअप देख सकते हो और ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया सुपर मोटो का ABS। तो सुपर मोटो का ABS कितना तो पावरफुल होता है वो तो आप लोग सारे लोग जानते ही हैं। बाइक का लाइटिंग सिस्टम को लेके बताएंगे तो सामने पे LED हेडलाइट प्रोजेक्टर लैंप देख सकते हो, साइड इंडिकेटर पे LED देखने को मिलेगा और पीछे का टेल लाइट भी LED। मतलब बाइक का जो ओवरऑल जो लुकिंग है ना मेरे को उतर बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग को कैसा लगा वो भी एक बार कमेंट करके बता देना। तो अभी हम लोग बताएंगे बाइक का मीटर कैपेसिटी को लेके, यह बाइक कंपनी यूज किया डिजिटल कलरफुल मीटर। मतलब मीटर का जो लुकिंग है ना बहुत ही बढ़िया लुकिंग के साथ देख सकते हो और मेरे को उतर बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ही लगा। बाइक का टायर साइज को लेके बताएंगे तो सामने मतलब 120x70x17 देखने मिलेगा और रियर पे 180x55x17 देखने मिलेगा। मतलब बाइक का जो टायर साइज है ना बहुत ही बढ़िया कंपनी यहाँ पे यूज किया। तो अभी हम लोग बताएंगे ये जो बाइक है ना कब तक इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर आ सकता है। तो कैसे यामा का जितना सारे सुपर बाइक है कोई भी सुपर बाइक या फिर इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं करता है, ये बाहर से इंपोर्ट करके लेके आता है। जैसे यामा R3 गाइस यहां पे कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं होता है, सीधा इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करके इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर लेके आता है, इसलिए टैक्स ज्यादा हो जाता है एंड बाइक का प्राइस भी हाई हो जाता है। R3 का प्राइस इतना ज्यादा हाई नहीं है, इसके अंदर गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है इसलिए R3 का प्राइस इतना ज्यादा हाई हो चुका है। तो सेम टू सेम अगर तुम लोग को यामा MT09 खरीदना है तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तुमको जाके बाइक को खरीदना पड़ेगा, सीधे यहां पे इंपोर्ट करके इंडियन लेके आ जाओगे, बट इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर कोई भी इसका मैन्युफैक्चर नहीं होता है। आज का वीडियो थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट हुआ तो वीडियो के अंदर एक लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो गाइस चलिए आज का वीडियो इतना ही एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।